हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके साथ लाए हैं वो है बीआरसी के इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए बुक के बारे में बताने आए हैं कि कौन कौन सा बुक आपके लिए इम्पोर्टेंट है और किस बुक का आपको फॉलो करना चाहिए ताकि आप पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकें और अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए हम एक एक करके आपको बुक बताते हैं और उसको आप फॉलो करेंगे तो निश्चित ही आपका पेपर में मार्क्स बहुत ही अच्छा आ सकता है। तो चलिए हम बताते हैं कि करके बुक, और बहुत ही स्टैंडर्ड बुक है। जो भी मैं बुक बताने वाला हूँ वो सभी बुक स्टैंडर्ड है, ठीक है। और यहाँ पर जो भी मैं बुक बताने वाला हूँ वो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से रिलेटेड है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी हम यहाँ पर बताने वाले हैं वो सारे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के ही बुक है, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन का ही बुक है, अदर ट्रेड का नहीं है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना। और मैं यहाँ पर सारे सब्जेक्ट का बुक बताऊँगा, जैसे एक टेक्निकल हो जाता है, ठीक है, फिर उसके बाद नॉन टेक में हो जाता है, नॉन टेक में हो गया आपके पास साइंस का हो गया, फिर मैथ का हो गया, फिर आपके पास जीएस का हो गया, मतलब तीनों चीज़ का बताऊँ क्योंकि आईटीआई लेवल पे साइंस भी है, मैथ भी और जीएस भी है, और टेक्निकल तो है ही आपका। तो ज़्यादा बेटर आपको टेक्निकल पे करना है, ठीक है, क्योंकि मेरिट आपका इसी से बनने वाला है, टेक्निकल पे ही आपका मेरिट बनने वाला है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान रखना है टेक्निकल पर, ठीक है। तो चलिए हम एक एक करके आपको बुक बताते हैं। सबसे पहले आपको बीआरसी के रिगार्डिंग बुक बता रहे हैं, जो भी बुक बताएंगे वो सारे बीआरसी के ही रिगार्डिंग होंगे। अदर एग्जाम में भी आप उस बुक को फॉलो कर सकते हैं, बट बढ़िया जो भी बुक है मैं आपको स्टैंडर्ड बुक बताऊँगा, बहुत ही बढ़िया बुक है, ठीक है। आप उसका नाम सुने होंगे कभी ना कभी, बट आप उसको कई बार पढ़ते नहीं हैं बच्चे उस बुक को। तो चलिए मैं एक एक करके आपको दिखाता हूँ कौन कौन सा बुक है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट का सबसे पहला बुक हमारे पास आता है, देखिए थ्योरी के लिए बुक आता है। जैसे आप पता होगा कि आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है तो आपको इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का बुक पढ़ना होगा। तो देखिए सबसे पहला जो बुक है वो अरिहंत पब्लिकेशन का एक बुक आता है, अरिहंत पब्लिकेशन का इलेक्ट्रीशियन थ्योरी नाम से बुक आता है। जब आप सेमेस्टर में होंगे या फिर आईटीआई में पढ़ाई कर रहे होंगे तो इसका बुक इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के नाम से आपको बुक जरूर लिए होंगे। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आता है, मैं यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में लाया हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डिमांड आता है इंग्लिश में लाने का, तो मैं इंग्लिश वाला ही दिखा रहा हूँ। हिंदी वाला भी इसका अरिहंत का आता है, आप हिंदी वाला भी फॉलो कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छा बुक होता है। इसमें थ्योरी भाव पूरा दिया रहता है, इसमें क्या होता है पूरा आपका थ्योरी भाग दिया रहता है, मतलब पूरा आपका इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का जितना पार्ट है ना, फर्स्ट ईयर हो गया प्लस सेकेंड ईयर हो गया, दोनों ईयर का इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का इसमें दिया रहता है। तो बहुत ही अच्छा बुक है, अगर आपके पास ये बुक है तो इसको ज़रूर फॉलो करें। अगर नहीं है तो आप चाहते हैं खरीदने के लिए तो खरीद लें, क्योंकि अगर आपको आगे भी काम देगा, अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ऑनलाइन ही मिल जाता है। बट आपके पास अगर है तो इसको एक बार ज़रूर फॉलो करें, पूरा आईटीआई के लेवल का एकदम पैटर्न होता है इसमें, और बहुत ही अच्छे थ्योरी में पूरा चीज़ों को समझा रहता है, तो इसको आप ज़रूर फॉलो करें। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास बुक है, ये बुक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रीशियन का बुक है। आपको पता होगा कि यूथ पब्लिकेशन का बुक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें क्या होगा कि आपका प्रीवियस ईयर जितना भी क्वेश्चन होगा ना, PYQ मतलब प्रीवियस ईयर जितना भी क्वेश्चन होगा ना, इस बुक में मिल जाएगा। इस बुक में जितने भी आईटीआई लेवल में पिछले साल का एग्जाम हुआ, UPSC हो गया, UPRVNL हो गया, Technician 2 हो गया, ISRO हो गया, लाइनमैन हो गया, ऑपरेटर का हो गया, CIPF का, जितना भी एग्जाम होता है इंडिया के अंदर सारे का, मतलब आपका यहाँ पर ना बुक में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारे क्या होता है, ये बहुत ही अच्छे बुक है ये वाले, इसको आप ज़रूर फॉलो करें। अगर आपके पास ये नहीं है ना तो इसको ज़रूर परचेस कर लिया, क्योंकि आगे भी आपको ये काम देने वाला है और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स इस बुक से आप गेन कर सकते हैं। ये तो थ्योरी बुक था, ठीक है। और ये बुक क्या है, ये बुक है आपके प्रैक्टिस टाइप का है, मतलब इसमें जितना भी प्रीवियस ईयर टाइप का क्वेश्चन दिया गया वो नियर आपको क्वेश्चन बहुत सारा मिलेगा। मेरे पास इसका PDF है, मैंने नेक्स्ट वीडियो में इसका PDF बताऊँगा आपको कैसा PDF है। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट बुक की तरफ चलते हैं। ये तो दोनों बुक नॉर्मल हो गए, मतलब आप जो कैंडिडेट एकदम फ्रेशर है, स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए दोनों बुक है और बहुत अच्छा बुक है। इस दोनों बुक का आप जरूर फॉलो करें, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको यही दो बुक को फॉलो करना है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट बुक की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास बुक कौन सा था, देखिए नेक्स्ट बुक क्या होता है कि अब उससे थोड़ा हमारे पास स्टैंडर्ड लेवल का बुक आता है, मतलब हाई लेवल का बुक आता है। जैसे आप देख सकते हैं एस चांद पब्लिकेशन का बहुत अच्छा पब्लिकेशन का बुक है। इसमें क्या है कि आपको इसमें थ्योरी या प्लस क्वेश्चन दोनों मिल जाएगा, मतलब थ्योरी भी मिलेगा और क्वेश्चन भी मिलेगा। बस इसका क्या है कि यह सिर्फ इंग्लिश मीडियम में आता है, हिंदी मीडियम में नहीं आता है, ठीक है। इससे पिछले वाले बुक दोनों बताया था, दोनों हिंदी मीडियम में आता है, इंग्लिश मीडियम में आता है, बट एस चांद पब्लिकेशन का बुक सिर्फ इंग्लिश मीडियम में आता है। ये क्या है, इसमें क्या है कि जब आप वो दोनों बुक को ख़त्म कर लेंगे तब इस बुक को लगाए, या फिर बीच में बहुत सारे बच्चे इस बुक को लगाते हैं, तो बहुत अच्छा बुक है। इसमें क्या है कि बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट दिए गए हैं और थ्योरी का पॉइंट भी तो ठीक ठाक दिया गया है, बट आपको जो क्वेश्चन का प्रैक्टिस दिया गया है ना, बहुत अच्छा इस बुक में क्वेश्चन दिया गया है, ऑब्जेक्टिव इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी में बीके मेहता का बुक आता है। तो इस बुक को जरूर आप लगाएं, बहुत ही अच्छा बुक है, ठीक है। इसको आप जरूर लगाएं एक बार, बहुत अच्छा बुक है। इसको लगाने से ना आपका कंसेप्ट बहुत अच्छा हो जाएगा, आपका जो भी डाउट होगा ना वो क्लियर हो जाएगा, और इसमें क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे लेवल के दिए रहते हैं इस वाले बुक में, व्हाइट वाले में, इलेक्ट्रीशियन टेक्नोलॉजी वाले में। तो इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, और उसके साथ पता है इसमें क्या है, लगभग इसमें ना 5000 प्लस क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं 5000 प्लस क्वेश्चन है। तो इतना क्वेश्चन का अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, समझ सकते हैं कितना ज़्यादा आपके लिए कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप हो जाएगा। तो
ये बुक बहुत अच्छा है, ये आपको 500 के आसपास में मिल जाता है, ठीक है। जब आप ऑनलाइन खरीदेंगे ना 500 रुपये में मिल जाएगा। आपके पास नहीं है तो छोड़ दे, इसको स्किप करें, आप पिछले वाले बुक ही दोनों फॉलो करें। अगर है तो बहुत अच्छा, आप इसको ज़रूर लगा, इससे आपका मतलब कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर रहेगा। फिर आते हैं हमारे पास एक और बुक है, इसका नाम है JB गुप्ता। आप नाम सुने होइएगा, ये डिप्लोमा और बीटेक वाले बच्चे बेसिकली पढ़ते हैं, बट आपका पता आपको पता होगा कि अब मतलब जो कंपटीशन का ज़माना है उसमें क्वेश्चन जो आते हैं वो IT लेवल का नहीं आते, बहुत ही हाई लेवल का आते हैं। कई बार डिप्लोमा लेवल का क्वेश्चन आता है, कई बार तो गेट लेवल का, ES लेवल का भी क्वेश्चन वन लीनियर वाला डाल दिया था। JB गुप्ता पब्लिकेशन का बहुत ही अच्छा बुक है। इसमें क्या है कि बहुत ही हाई लेवल का कॉन्सेप्ट है, मतलब आपको पास अगर नॉलेज कम लेवल का है तो इस बुक को फॉलो ना करें, ठीक है। पहले आप वो दोनों पीछे तुमने दो बुक बताया उसको फॉलो करें, फिर ये तीसरा बुक इसको फॉलो करें, तब जाकर लास्ट में इस चौथा बुक को फॉलो करें। इस बुक को लगाने के बाद आपके पास कुछ नहीं करना है, इस ये बुक मतलब पूरे आप डिप्लोमा बीटेक लेवल तक के सिलेबस को कवर कर सकते हैं इस बुक के अंदर, ठीक है। बस इस बुक के अंदर पता है क्या लगाना, आपको वन लीनियर वाला लगाना, मतलब JB गुप्ता बुक के अंदर आपके पास ना जो वन लीनियर है ना, इसके अंदर जो वन लीनियर क्वेश्चन है उसको आपको लगाना है। वन लीनियर जो क्वेश्चन होता है ना उसको आप लगाएंगे ना, तो इससे आपका क्या होगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि इस बुक का वन लीनियर ज़्यादातर रिपीट होता है, ITI का एग्जाम हो चाहे वो डिप्लोमा लेवल का एग्जाम, उससे क्लियर होता है। बट ये थोड़ा हाई लेवल का बुक है, ठीक है, हाई लेवल का बुक है तो इसको बहुत बच्चे प्रीफर नहीं करते, तो आप कर सकते या फिर नहीं कर सकते, कोई इसमें मेरा प्रेशर नहीं है, बट आप चाहते हैं तो ज़रूर करें, ठीक है। बहुत ही अच्छा बुक है, बहुत ही मतलब ज़्यादा हाई लेवल का बुक है, इसको अगर आप फॉलो कर लेते हैं ना तो आपसे कुछ नहीं छूटता है, ठीक है। तो बहुत अच्छा बुक है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट बुक की तरफ, इतने तो हमारे हो गए टेक्निकल बुक थे, ठीक है, और लास्ट में इसको प्रीफेयर करना है आपको मैंने बता दिया। फिर हम चलते हैं नॉन टेक्निकल बुक की तरफ। नॉन टेक्निकल बुक हमारे पास देखिए सिलेबस में हमारे पास जनरल साइंस भी है, तो जनरल साइंस का भी 20 क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आपको जनरल साइंस के लिए ना लुसेंट पढ़ लेना है, कुछ नहीं पढ़ना, लुसेंट आप पढ़ लीजिए ना, इससे आपका ना ज़्यादा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। लुसेंट से ना बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे बुक होता है, बहुत ही अच्छा लुसेंट पब्लिकेशन का बुक है, इससे आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो सकता है। और प्रीवियस ईयर के लिए रेलवे वगैरह से थोड़ा सा प्रैक्टिस कर ले आप, उससे भी थोड़ा हेल्प मिल सकता है, बट आपको थ्योरी और प्लस क्वेश्चन भी इससे अच्छा आसानी से हो जाएगा। जब आप थ्योरी पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन आसानी से बनने लगेगा, ठीक है। तो लुसेंट को आप फॉलो जरूर करें, बहुत बच्चे लुसेंट लगाते हैं, इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। फिर हम बात करते हैं सामान्य ज्ञान के लिए, क्योंकि सामान्य ज्ञान का भी 10 क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आप लुसेंट का भी जनरल जो GK का बुक है इसको आप फॉलो कर सकते हैं, GK वाला बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको आसानी से 10 नंबर मिल जाएगा। इससे बाहर कुछ मैंने बताया ना, नॉन टेक्निकल का साइंस का ये बुक और GK के लिए बुक है, दोनों आप पढ़ लेना, क्योंकि ये सब ना बहुत पहले से बुक है, स्टैंडर्ड बुक है, ठीक है। तो ये सब ये एरर फ्री है और बहुत अच्छा बुक है, तो इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो, आसानी से लैंग्वेज आपको समझ में आता है, और हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज अवेलेबल है दोनों बुक का, दोनों को फॉलो कर सकते हैं, और बहुत अच्छा बुक है, दोनों को आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छा बुक है। तो ये हो गया हमारे पास साइंस के लिए, और ये हो गया हमारे पास GK GS के लिए, क्योंकि 10 नंबर का GK GS भी है और 20 नंबर का साइंस है, तो इसको भी हमको कवर करना है दोनों बुक पर, इसके अलावा आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारे पास सिलेबस आ जाता है, अच्छा मैथ का आ गया। देखिए मैथ हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देखिए मैथ के लिए क्या करना है, अगर आपके पास मैथ थोड़ा बहुत कॉलेज है ठीक है तो ठीक है, नहीं तो आप क्या करें, SSC अर्थमेटिक नाम से ना राकेश यादव सर का एक बुक आता है, बहुत ही अच्छा बुक है। अर्थ देखिए ज़्यादा आपके पास में पेपर में अर्थमेटिक आता है, ज्योमेट्री का कम भाग आता है, एडवांस वाला कम भाग आता है, और एक दो क्वेश्चन ट्रिगो से आ जाएगा, नहीं तो ज़्यादातर अर्थमेटिक से, मतलब अगर 20 क्वेश्चन है तो 15 क्वेश्चन के आसपास आपको अर्थमेटिक से आएगा। तो अर्थमेटिक में क्या करना, आपको पकड़ मजबूत करना है, तो एक बार आप अगर राकेश यादव सर का कंसेप्ट वाला बुक पढ़ लेते हैं ना तो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इससे आपका ना ज़्यादातर क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, और बहुत बेसिक लेवल से आपका ना कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। क्वेश्चन तो मैथ आपका पता है ना प्रिडिक्शन वाला चीज़ है, वो कुछ भी क्वेश्चन में आ सकता है, आपके पास जब तक मैथ का कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा तब तक आप उसको कर नहीं सकते क्वेश्चन को। दूसरा सब्जेक्ट तो है ना कि आप साइंस की रट लेंगे क्वेश्चन को, वही क्वेश्चन आना, ऐसा नहीं है, इसमें आपको वैल्यू चेंज कर सकता है, इसमें कुछ और आपको पूछ सकता है, तो इस चीज़ को आपको फोकस करना है, ठीक है। कि मैथ वाले जो क्वेश्चन है ना, मैथ के लिए आप ना इसको फॉलो जरूर करें, SSC जो अर्थमेटिक है ना राकेश यादव सर का, इसको फॉलो करें। और उसके बाद क्या करें, उसके बाद आपको क्या करना है कि जो ये एक किरण पब्लिकेशन है, ठीक है, एक किरण पब्लिकेशन का बुक आता है, ठीक है, इनिशियली SSC मैथ के नाम से, ठीक है। SSC का ही हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि SSC में ना बेसिक से एकदम हाई लेवल तक का क्वेश्चन आता है, जिससे कि आपका ना कंसेप्ट आसानी से इस बुक से क्लियर कर लीजिए, और उसके बाद ना ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि मैथ में आपको प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, तो मैथ में जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपके लिए बहुत मतलब मैथ समझ में नहीं आएगा, फिर मैथ का क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो इसमें देखिए 11,500 के आसपास ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है, और 1999 से, और पूरा सॉल्व पेपर है,
पार्ट एकदम चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज किरण का बुक है, ठीक है। इसका भी पीडीएफ मेरे पास है, मैं लाऊंगा एक दिन सारे पीडीएफ को, वीडियो लाता हूँ बनाकर कैसा कैसा पीडीएफ है, और उसको मैं आप लोगों का टेलीग्राम पर भी शेयर करूँगा, ठीक है। तो ये दोनों बुक का फॉलो करें, पहले इसको फॉलो करें, ठीक है, फिर जाके इससे क्वेश्चन आप लगाए, इसको और इसको लगा लेते हैं ना, मेरा एकदम आप गारंटी समझे तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता। ज़्यादा एडवांस वाला क्वेश्चन इसमें नहीं पढ़ना, क्योंकि आई टी लेवल पर ज़्यादा एडवांस वाला नहीं आता, और कंसेप्ट आपको पूरा इससे क्लियर हो जाएगा। इससे बाहर कंसेप्ट से क्वेश्चन बनता ही नहीं है, बहुत अच्छे एसएससी जीएल के बच्चे इसको पढ़ते हैं, आप तो आईटी वाले हैं, इस तो आसानी से हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें, ठीक है, इस चीज़ में आप आसानी से कर सकते हैं। मैथ का जो पेपर है ना, मैथ वाला पेपर, वो आप आसानी से इससे कर सकते हैं, मैथ का इससे पहले पढ़िए, ठीक है, और उसके बाद इससे आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। पहले इसको फॉलो कीजिए थ्योरी के लिए, ठीक है, थ्योरी के लिए इसको फॉलो कीजिए आप, और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए पीवाईक्यू के लिए इसको आप फॉलो कीजिए, दोनों से आपका आसानी से हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने आपको बुक बताई, देख सकते हैं ये मैथ के मैंने बता दिया बुक, फिर उसके बाद ये हमारे पास साइंस और जनरल नॉलेज का बुक था, ये दोनों बता दिया, ठीक है, मैथ हो गया, ये जनरल साइंस और जनरल नॉलेज का हो गया। फिर उसके बाद मैंने टेक्निकल का बताया कि इसको आपको मन है तो फॉलो कीजिए जे बी गुप्ता को, लाल वाले बुक को, नहीं तो फॉलो नहीं कर सकते, इसको छोड़ दिए, लेकिन इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, अच्छा बुक है, ठीक है, इसको आप जरूर फॉलो कर लीजिए। फिर इसके बाद ये बुक है थ्योरी वाला बुक, आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो परचेस कर लीजिए, आगे भी आपको काम देगा, मैं उम्मीद करता हूँ लगभग सारे बच्चे के पास होंगे। फिर उसके बाद इसको तो जरूर फॉलो करें, आप इस बुक को जरूर फॉलो करें, जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का है ना, इसको आप जरूर फॉलो करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इसको आप फॉलो कर लेते हैं ना ये इलेक्ट्रीशियन ट्रेड बुक को, तो आपके पास बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा, इसको आप जरूर फॉलो करें, ठीक है। और ये थ्योरी वाले बुक है ना, जो थ्योरी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी वाले बुक, इसको भी आप जरूर फॉलो करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है, इसको आप फॉलो कर लेंगे ना इलेक्ट्रीशियन थ्योरी को, तो इससे आपका थ्योरी बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैंने आपको बताया बुक, देख सकते हैं इतना सारा बुक को मैंने कलेक्शन आपको बताया, ठीक है, तो आप इस बुक को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, बीआरसी के लिए। सो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच, और हमारे वीडियो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बहुत सारे मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस लाया है इस चैनल पर पीवाईक्यू, तो उसको आप जरूर फॉलो करें। सो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए।